हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन आर्ट वर्ल्ड। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बट ये वीडियो मेरे लिए कुछ खास है क्योंकि इसमें मैंने पहली बार वॉइस ओवर किया है और मुझे वॉइस ओवर करने से काफ़ी डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ वीडियो, बट हाँ अब कर रही हूँ तो धीरे धीरे बनती जा रही है। इस पेंडेंट को मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है, मैंने हनी बी का पेंडेंट बनाया है और इसको मैंने कलर करने के लिए सबसे पहले वाइट बेस किया है और देन स्काई ब्लू और डार्क ब्लू का बेस कोट के ऊपर शेड दिया है। शेड देने से पहले मैं सोच रही थी कि इसको क्या पेंट करूं, बट मेरे ध्यान में आ नहीं रहा था। बट फिर मुझे सडन हनी बी से याद आया कि मुझे नेचरी इफेक्ट देना चाहिए इसमें थोड़ा, तो वैसे ही मैंने इसमें नेचरी इफेक्ट देते हुए नीचे रोज़ में और रोज़ की पेटल्स में, उसकी लीव्स में कलर किया। और मैंने कोशिश की कि इसे पूरा का पूरा नेचरी कलर से ही रखूं कि नेचर ज़्यादा दिखे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे तो मतलब लाइक नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। और हनी बी के टाइम पे ना मैं लिटरली भूल गई थी कि हनी बी में कौन सा कलर होता है। देन मैंने उसकी रेफरेंस ली, रेफरेंस फ़ोटो से मैंने देखा कि हाँ कैसे कलर है, क्या क्या शेड है, देन मैंने उसे आगे पेंट करना शुरू किया। हाँ, बट मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर से थोड़े कर्व, रेड कलर के कर्व्स बनाए थे वो, ताकि थोड़ा पेंडेंट सुंदर लगे देखने में कि हाँ कुछ कार्विंग की हुई है उसके ऊपर। तो धीरे धीरे जब मैं जैसे जैसे कलर्स फिल करती जा रही थी और पेंडेंट मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पेंडेंट कैसा लग रहा है। देन मैंने इसके ऊपर रेड कलर किया, मैंने थोड़ा डिटेल ऐड किया जहाँ जहाँ पे कलर नहीं हुआ था, क्योंकि फ्रंट से तो आराम से कलर हो जाता है, बैक पे कलर करना मुश्किल होता है जब तक फ्रंट ना सूखे। तो देन मैंने हनी बी के सूखने का इंतज़ार किया और उसके बाद मैंने हनी बी को डिटेल वर्क करना शुरू किया, क्योंकि हनी बी में ब्लैक कलर के शेड्स होते हैं। तो मैंने उसको डिटेल वर्क करना शुरू किया, हनी बी का फेस बनाया, हनी बी का अंदर से थोड़ा सा डंक होता है वो भी बनाया। मुझे पता थोड़ा अजीब लगता है, बट हाँ क्या कहते हैं, धीरे धीरे डिटेल वर्क ऐड करते हुए छोटे पैर बनाए। मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि पैरों में कैसे कलर करूँ, इनके ध्यान में ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। बट हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे बनाया, क्योंकि मैं ना वीडियो जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है कौन सी नहीं, तो कई बार मुझे पता ही नहीं चलता कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं। ये पेंडेंट भी मैंने ही बनाया है और उस टाइम पर मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गई थी, तो वो पेंडेंट बनाई की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। ये मोल्डेड क्ले से बनाया था मैंने, और वैसे मैंने इससे पहले भी काफ़ी पेंडेंट बनाए हैं और उनकी भी वीडियोस में रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कितनी भुलक्कड़ किस्म की हूँ मैं, बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे रोज़ वीडियोज़ डालूँ। और ये है इस पेंडेंट का फाइनल आउटकम। आपको ये पेंडेंट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।